नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 18 अक्टूबर 2020 है। 18 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है, पहले जानते हैं कोरोना अपडेट। देश में तेजी से एक्टिव केस में कमी आ रही है, लेकिन इसका कतिपय अर्थ नहीं हो सकता है कि कोरोना खत्म हो गया है। ऐसे किसी भी भुलावे में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 74 लाख से काफ़ी ज़्यादा है। यह अलग बात है कि इन आंकड़ों में से अब तक 65 लाख से अधिक संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। अभी 7,95,000 मरीज एक्टिव हैं। देश में अब तक 1,13,062 की मौत हो चुकी है। इधर बिहार में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,01,887 हो गया। इनमें से 1,90,256 लोग ठीक हो चुके हैं। मात्र 10,649 मरीज बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देशवासियों को जागरूक करने की हिदायत विभाग को दिया है और कहा है कि फेस्टिव सीजन और ठंड का मौसम खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसे में अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में यदि जदयू से अधिक सीटें भाजपा को आती हैं तो सीएम नीतीश ही होंगे। यह बात बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी बोल चुके हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश शासनकाल में 60 घोटाले हुए। इन सभी घोटालों में जनता का पैसा था। आज बिहार में प्रति व्यक्ति 33,000 रुपये कर्ज से लदा है। तेजस्वी बांका में चुनावी सभा को संबोधित कर बोल रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, वृद्धावस्था पेंशन 400 से 1,000 कर देंगे, शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देंगे। नीतीश कुमार लोगों को मुद्दों से भटका रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता, किसी के बहकावे में नहीं आए, आत्मनिर्भर बने। उन्होंने 15 साल के राजद शासनकाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उस जंगल राज में लोगों को घरों से निकलना मुश्किल था। आज NDA की सरकार में सभी खुश हैं। फडणवीस रजौली विधानसभा के प्रत्याशी के लिए आयोजित रैली में बोल रहे थे। NDA का साझा घोषणा पत्र 23 अक्टूबर को जारी होगा। इससे पूर्व भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। गत 11 अक्टूबर को ही जदयू ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बिहार में साझा घोषणा पत्र का सभी इंतजार कर रहे हैं। इधर महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी की बात दोहराई गई है, शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने की बात लिखी गई है। 20 और 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा की चुनाव रैलियों को संबोधित करने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। कार्यक्रम के अनुसार योगी आदित्यनाथ 20 अक्टूबर को रामगढ़, अरवल, काराकाट और सासाराम में सभा करेंगे। NDA प्रत्याशी सह VIP के सुप्रीमो मुकेश सहनी व उनके समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है। वे सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से नामांकन करने के बाद सभा कर रहे थे। मुजफ्फरपुर से नक्सल गतिविधि में शामिल एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम भारती है, वह मीनापुर से प्रत्याशी भी हैं। उसे 18 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि भारती ने इसे एक राजनीतिक साजिश बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव में शराब के जरिए मतदाताओं को रिझाने का खेल इस बार नहीं चलेगा। इस पर चुनाव आयोग की कड़ी नज़र है और प्रशासन भी कड़ी नज़र रख रही है। पटना में एक हैवान पिता ने गुस्से में आकर पहले बेटे को गंगा में फेंक दिया, तब बेटी को फेंक रहा था कि लोगों ने पकड़ लिया और दोनों बच्चों को बचाया। हैवान पिता 7 साल के बेटे को अखबार पढ़ने कहता था, नहीं पढ़ने पर उसकी बेरहमी से पिटाई करता था। पटना में एक सिपाही का हाथ तोड़ने और मारपीट करने को लेकर 2 बाउंसर आशीष और संजय को पुलिस ने पकड़ लिया। रोहित नाम का एक अन्य भी पकड़ा गया है, उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हुआ यूं कि पीड़ित सिपाही अपनी भाभी को लेकर एक निजी अस्पताल आया था। इलाज के दौरान वह मर गई। उसी आक्रोश में सिपाही ने विरोध किया तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से बाउंसर ने उसकी पिटाई कर दी। लखीसराय से नक्सली एरिया कमांडर अर्जुन कोड़ा की बेटी
प्रिया कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी उसके ससुराल चानन थाना क्षेत्र के कछुआ गांव से हुई है। गोपालगंज के फुलवरिया में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवक का गला कट गया, उसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए ले जाया गया है। युवक माड़ीपुर गाँव का है। गोपालगंज के गोपालपुर पुलिस ने 333 बोतल शराब के साथ 7 तस्करों को दबोच लिया। इसमें एक यूपी का है, सभी को जेल भेज दिया गया है। इनके पास से 3 बाइक और 1 टेम्पो भी जब्त किया गया है। मतदान कार्य के लिए जारी निर्देश पत्र को स्वीकार नहीं करने के आरोप में तथा स्कूल से अनुपस्थित रहने पर पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने के आरोप में 35 शिक्षकों के विरुद्ध FIR का आदेश DEO ने दिया है। मामला गया जिले का है। कटिहार जिले के मनिहारी गंगा घाट से स्नान कर टेम्पो से सुपौल के सिमराही बाजार के 2 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। घटना अररिया पूर्णिया मार्ग पर कुसियार गांव के पास घटी है। टेम्पो एक बोलेरो से टकरा गई जिसमें दोनों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। लहरिया सराय थाने की पुलिस ने हाजीपुर के एक ठग को गिरफ्तार कर लिया। वह कई लोगों से प्रतियोगिता परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी कर चुका है। वह ईशुपुर गांव का है, उसका नाम विवेक बताया गया। मोतिहारी के चिरैया में जमीन विवाद को लेकर पट्टीदारों ने गोली चला दी। इस घटना में लालजी राय की मौत हो गई जबकि उसका भतीजा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने 2 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। औरंगाबाद जिले के चपड़ी गांव के जितेंद्र उर्फ टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना वारुण थाना क्षेत्र के A1 प्लाजा के पास घटी है। मृतक टाइगर का भी आपराधिक इतिहास है, वह हाल ही में जेल से निकला है। अररिया जिले के देहटी गांव की 5 बच्चियां बकड़ा नदी में स्नान के दौरान डूब गई। इनमें से ग्रामीणों ने 3 को बचा लिया लेकिन 2 की मौत हो गई। इस घटना से इलाके में कोहराम मच गया है। भाजपा के प्रत्याशी प्रमोद सिन्हा के भाई के घर से 22 किलो सोना व 3 किलो चांदी के आभूषण मिले हैं। इतनी बड़ी मात्रा में जेवरात भारत में नहीं मिले हैं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल के वीरगंज स्थित एक फ्लैट से मिला है। यह कार्रवाई वीरगंज पुलिस ने किया है। पूर्णिया जिले के माफा पेट्रोल पंप के सामने रोड क्रॉस कर रही एक महिला की मौत बस की चपेट में आने से हो गई। मृतका का नाम सजेनूर खातून बताया गया। वह मिल की शेरशाहवादी मोहल्ले की थी। पटना के अगम कुआं में पंखे से झूलकर युवती ने खुदकुशी कर ली। बताया गया कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक गलत नीयत से उसके घर घुस गया था। उसी के बाद से वह लगातार तनाव में रहती थी। बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।